Good morning, students. How are you? I hope you are enjoying your holiday. We are starting class 8 science. First, I tell you about the chapter, like their name crop production. We do some material in last class. Now we continue that. Okay. The agriculture practice. क्या कृषि के प्रयत्न किए गए थे? Till 10,000 BC. BC का means होता है before Christ. 10,000 साल पहले people were nominated. पीपल लोग क्या थे घुमंतू थे घुमंतू का मतलब लोग थे ना वो एक जगह खेती नहीं करते थे देखा होगा कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए घूम घूम के खेतियाँ किया करते थे देवर वंडर्ड ग्रुप्स देवर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे किसके लिए भोजन की तलाश के लिए और अपना घर बनाने के लिए देखो जब उनको कृषि की कोई तकनीक सी नहीं आती थी तो वो क्या करेंगे वो भोजन और घर के लिए अलग अलग जगह जाते थे आपने देखा होगा वो बेसिकली पहले जमाने में नदियों के पास रहते थे दे ईट रो फ्रूट्स वे कच्चा फल खाते थे एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल फॉर फूड उन्होंने बाद में क्या कि जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया दे स्टार्टेड हंटिंग हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना फॉर एनिमल फॉर फूड उन्होंने बाद में जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया किसके लिए भोजन के लिए लेटर दे कुड कल्टिवेटिव लैंड एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स उसके बाद उन्होंने कई चीज़ें उगानी शुरू करी कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने ना गेहूं उगानी शुरू करी चावल उगानी शुरू करे दस बी ब्राउन एग्रीकल्चर इस तरह हमारी कृषि का उत्पादन हुआ व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रो एंड कल्टिवेटिव एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल जब एक ही प्रकार के पौधों को एक ही जगह पर खेती की जाती है बहुत बड़े लेवल पर तो उसे क्या कहते हैं क्रॉप मतलब ऐसे नहीं कि इधर गेहूं कर दी उधर राइस कर दी उधर ऐसे एक ही तरह की खेती है लॉन्ग जगह तक एक सेम टाइप की खेती हो रही तो उसे हम क्रॉप कहते हैं फॉर एग्जांपल के लिए क्रॉप ऑफ द व्हीट गेहूं की फसल मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट मतलब एक खेत में अगर फसल लगी सारी की सारी किसकी ऊंची गेहूं की यू ऑलरेडी नो तुम पहले से जानते हो दैट क्रॉप्स आर द डिफरेंट टाइप लाइक क्रियल्स आप जानते हो कि जो फसलें होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं लाइक क्रॉप्स मतलब अनाज भी होते हैं वेजिटेबल मतलब सब्जियां भी उगाते हैं और फ्रूट हम इसके अंदर फलों को भी उगाते हैं दीज कैन बी क्लासीफाई इनका विभाजन किया जा सकता है ऑन द बेसिक ऑफ सीजन ये मौसम के आधार पर इन विच दे ग्रो जिसमें वे पैदावार होते हैं इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री भारत एक व्यापक है मतलब बहुत बड़ा देश है आपने देखा होगा 3,42,000 बहुत बड़ा देश है 32 लाख समथिंग 33 लाख के अंदर बैठा हुआ है एरिए के अंदर इतना बड़ा एरिया है तो सब जगह का इन्वॉल्वमेंट एक जैसा हो ये तो जरूरी नहीं है राजस्थान है डिजर्ट एरिया है लेकिन इसी तरह वेस्ट बंगाल है अच्छा कृषि एरिया अच्छी वाटर है फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड है उड़ीसा अच्छी वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड है इससे सबका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग है आप और की एग्जांपल के तो अपने हनुमानगढ़ गंगानगर देख लीजिए ये बहुत अच्छी जगह है या पानी वगैरह सब फैसिलिटी लेकिन आप बीकानेर या जैसलमेर जाओगे तो वहाँ देखोगे आपको ओनली डिजर्ट्स दिखेगा दे कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिक ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो हम कृषि को उन भागों में बांटते हैं जब वे पैदावार होती है मतलब देखो कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको पानी ज़्यादा चाहिए तो वो रेनी सीजन में उगती है कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कम पानी चाहिए तो वो सीजन में उगती है तो हम सीजन के आधार पर बांट रहे हैं गवर्नमेंट ने इंडिया इज़ ए वेस्ट कंट्री भारत एक बड़ा देश है द क्लाइमेट कंडीशन भारत की जो वातावरण की स्थिति है जैसे लाइक टेम्परेचर जैसे कि तापमान ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता एंड रेनफॉल यानी बारिश का गिरना वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन ये सब जगह अलग अलग है कैसे अलग अलग है जैसे राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है लेकिन पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छी बारिश होती है अकॉर्डिंग देयर इज़ ए रिच उसके अनुसार वहाँ पर बहुत रिच देश वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उसके अनुसार अलग अलग ना फसलें उगाई जाती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री देश के अलग अलग भागों में डिस्क्राइब्ड द डिवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड इन सब के बावजूद कृषि को दो प्रमुख भागों में बांटा गया कौन कौन सी खरीफ और रवि वैसे देखो इंडिया हमने तीन बेसिकली मानते हैं खरीफ रवि और जायद लेकिन आपकी बुक में दो ही मेंशन है तो आपको दो ही पढ़नी है खरीफ और रवि खरीफ द क्रॉप विच आर द ग्रो इन द रेनी सीजन खरीफ वो फसलें होती है जो बारिश के मौसम में उगाती हैं वो फसलें जो बारिश के सीजन में होती है आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स वे खरीफ की फसलें कहलाती है द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर जो बारिश का मौसम होता है वो भारत के अंदर जून से लेकर सितंबर तक का होता है
पैडी यानी धान यानी चावल, मेजर यानी कि मक्का, सोयाबीन आपको पता है, ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, कॉटन यानी कि रुई, ये सब खरीफ की फसलों के अंदर आते हैं। रवी द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन, जो विंटर सीजन के अंदर उगती है आर कॉल्ड रवी क्रॉप्स, वे रवी की फसलें कहलाती हैं। द टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, या अक्टूबर से लेकर मार्च तक का टाइम होता है। एग्जाम्पल ऑफ रवी क्रॉप्स आर वीट, रवी की फसलें कौन कौन सी होती हैं जिनमें आती है गेहूँ, ग्राम्स और पी यानी कि दाल, मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, और लिंस्ड अलसी। बिसाइड दिस, इन सब के बावजूद, पल्स दालें एंड वेजिटेबल्स आर ग्रो ड्यूरिंग द समर एंड मैनी प्लेसेस, इन सब के बावजूद दाल, मटर, दाल और जो सब्जियाँ होती है ना वो गर्मी में उगाई जाती हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं जना, कोई आप जैसे कोई स्टूडेंट है वो पूछता है, वाई कैन पीडी नॉट बी ग्रो इन द विंटर सीजन? सर जो पीडी यानी कि जो धान है चावल है, गर्मी में क्यों नहीं उगा सकते? स्टूडेंट आप बताओ। पीडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि पीडी को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा चावल वगैरह जो होते हैं वो पूरी तरह पानी के अंदर रहते हैं एक सीजन, तो उनको ज़्यादा पानी की जरूरत चाहिए। देयर इज इट ग्रो ओनली द रेनी सीजन, इसी कारण उनको रेनी सीजन में उगाया जाता है। कल्चेटिव ऑफ ए क्रॉप, खेती करना इंक्लूड सर्वल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ऑफ पीरियड टाइम, खेती केवल एक स्टेप नहीं, खेती में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे बोना लेके उसे मिट्टी को सही करना, उसे बोना, उसे पक्षियों से बचाना, बहुत से स्टेप्स होते हैं। यू मे फाइंड दिस एक्टिविटी आर सिमिलर टू द कैरीड आउट बाय अ गार्डनर इवन वेन यू ग्रो ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स, इन सब एक्टिविटीज़ को आप गार्डन के अंदर भी उगा कर देख सकते हो, या घर के अंदर कोई सजावटी फूल वगैरह पौधा लगा सकते हो, आप उससे आप देख सकते हो। दीज एक्टिविटी आर रिफर्ड, ये एक्टिविटी अलग अलग होती है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहती है, ये कृषि प्रयास कहलाते हैं। इनमें क्या क्या होती है, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, मतलब देखा होगा आपने किसान पहले ना मिट्टी को तैयार करता है, मिट्टी के अलग जड़ों को नीचे निकाल के और करके सही करता है। सोइंग मतलब बुबाई करता है, बोने के लिए तैयार करता है मिट्टी को अच्छे से। एडिटिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या करता है, खाद और उर्वरक डालता है। खाद क्या हो सकती है, एक तो ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है दोनों। इरीगेशन यानी सिंचाई के लिए तैयार करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, मतलब उसकी ना जंगली जो पौधे होते हैं जैसे खरपतवार बोलते हैं, कई बार ऐसे जंगलों बीच में पौधे उगाते हैं आपको पता होगा जो फसलों को ख़राब करते हैं, उनसे बचाता है। हार्वेस्टिंग यानी कटाई के लिए स्टेप होता है। फिर स्टोरेज, मतलब ये एक 6 स्टेप्स होते हैं जिसके बाद एक फसल पूरी तरह पक के तैयार होती है। ओके वी स्टार्ट इट, यू रीड इट एंड आफ्टर आई सेंड यू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इट। ये हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा दो बेसिक फसलों के नाम कौन कौन से होते हैं, उन फसलों के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, कौन सी फसल किसके अंदर उगती है, खेती क्या क्या है, खेती के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें ये 5-6-7 स्टेप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, सोइंग यानी बुवाई करना, एडिटिंग मैन्यूअर और फर्टिलाइजेशन, उसमें खाद और उर्वरक डालना, खाद और उर्वरक डाले बिना कोई भी नहीं काम कर सकता। इरीगेशन सिंचाई का काम करना, सिंचाई मतलब टाइम पे पानी देना, उसे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड मतलब उसे जंगली चीज़ों को बचाना, हार्वेस्टिंग उसकी कटाई के लिए तैयार करना, और स्टोरेज करना उसको भंडार में रखना और लॉन्ग टाइम सेव रखना। ओके वी रीड नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर। ओके थैंक्स।